हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर GSCTI GS कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के MS ऑफिस के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज हम सीखेंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब होता क्या है, इसका यूज क्या है, आज हम अपने इस चैप्टर में इन सारी बातों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट जहाँ पर डॉक्यूमेंट वन लिखा है इसको टाइटल बार बोलते हैं, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज, और यह होता है एमएस ऑफिस बटन, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। इन सबको मिलाकर, इन सबको अगर एक साथ बात करेंगे तो इनको बोलते हैं मीनू बार। तो आज हम वर्ड के मीनू बार के इंसर्ट टैब को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कवर पेज है, जो पेजेस पैन है, पेजेस पैन, टेबल्स पैन, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, हेडर्स एंड फुटर्स, टेक्स्ट, सिंबल्स, ये आदि इसमें पैन्स हैं। अगर इन सब की एक साथ बात करें तो ये टूल रिबन होता है। यहाँ से आप देखेंगे तो मिनिमाइज द रिबन, अगर हम मिनिमाइज रिबन को मिनिमाइज कर दें, कभी आप काम कर रहे हो अगर रिबन नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और मिनिमाइज द रिबन को हटा देंगे तो आपके सामने टूल बार्स और सारे पैन्स ओपन हो जाएंगे। तो हम सबसे अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे इंसर्ट टैब में सारी चीज इंसर्ट करके एक तरफ से सारी चीजें सीखेंगे। इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन 12,5 ब्रैकेट क्लोज एंटर। मैंने इंस्टेंट यहां पर जो है कुछ टेक्स्ट क्या कर लिया, इंसर्ट कर लिया, क्योंकि इंसर्ट ऑप्शन पर हम लोग काम कर रहे हैं। कवर पेज पर हम क्लिक करेंगे और मुझे कवर पेज कैसा चाहिए, मैं थोड़ा सा और अच्छा सा एक कवर पेज यूज। टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, आप देखेंगे जैसे आप बुक्स खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो कवर पेज होता है उसी को सेम वैसा चीज यहां पर टाइटल ऑफ द कवर पेज, मैं टाइटल ऑफ द कवर पेज को बोलता हूं फ्रॉम ग्रेजुएशन टू कॉरपोरेशन। थोड़ा सा मैंने इसको इस वाले को थोड़ा सा छोटा कर दिया, बहुत बड़ा है, 38 है, मैंने 28 फ्रॉम ग्रेजुएशन टू कॉरपोरेशन। पिक द डेट, मैं आज की डेट इस पर ले लेता हूँ। टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट करता हूँ माई हार्डशिप्स, मतलब कि मेरा संघर्ष, मेरी कठिनाई। यहाँ हार्डशिप्स का मतलब है कि कठिनाइयाँ नहीं, यहाँ पर मेरा संघर्ष है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है कवर पेज हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। तो कवर पेज का काम इतना ही होता है। और फिर उसके बाद ब्लैंक पेज, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने ब्लैंक पेज को क्लिक कर दिया। तो इसने क्या किया, हमारा सिस्टम जो है हमारे लिए पूरा एक पेज जो है इसने क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया। तो ब्लैंक पेज का इतना ही काम होता है कि पूरे पेज को क्या करना है कि ब्लैंक कर देना। आप यहाँ पर लुकअप पे काम करेंगे तो पेज ब्रेक, मैंने यहाँ पर पेज ब्रेक पे क्लिक कर दिया। पेज ब्रेक का काम क्या, जहाँ पर आपने क्लिक किया है वहाँ से उसके बाद क्या करेगा, सारे टेक्स्ट को उठाकर दूसरे पेज पर ले जाएगा, उस पेज को ब्रेक करके दूसरे पेज पर ये लेके आपको जाएगा, पेज ब्रेक। दूसरा, मैंने इस बार पिक्चर्स पे क्लिक किया है, चार्ट्स के पहले पिक्चर्स पे, और यहाँ पर देखेंगे कि जो पिक्चर्स के बाद इसने क्या कर दिया, पेज को ब्रेक कर दिया, क्योंकि पेज ब्रेक पर ही मैंने ऑप्शन लिखा था। और उसके बाद यहाँ पर फिर से मैंने क्लिक किया, पेज ब्रेक का यही काम है कि ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, उस पेज को हटाकर दूसरे पेज पर ले जाएगा। और फिर उसके बाद हम सीखते हैं टेबल्स, मैंने यहां पर इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट टेबल। आप देखेंगे ये टेबल हो गई, जो कॉलम है जो हमारी खड़ी लाइनें हैं वो कॉलम कहलाती हैं, और जो पड़ी लाइनें हैं
जो वर्टिकल लाइन होती है वो कॉलम कहलाती है और जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो हमारी रोज कहलाती है। तो आपने देखा यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टेन कॉलम्स हैं, 10 कॉलम्स हैं और 3 to 5 रोज हैं। आप देखेंगे जैसे ही टेबल को मैंने क्रिएट किया, टेबल यहाँ से टोटल रोज लास्ट कॉलम में चला जाएगा, बैंडेड कॉलम और टोटल रोज। मुझे अपना टेबल कैसे चाहिए आप देखेंगे ये क्या कर रहा है, उसको फॉर्मेट कर रहा है, जो हमारा टेबल वाला फॉर्मेट है वो टेबल को फॉर्मेट कर रहा है। बट मुझे सिंपली ही चाहिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सिंपली आ गया, लेकिन यहाँ पर कलरफुल है। शेडिंग अगर मुझे मैं इसको सबसे पहले तो मैं सिंपल बना देता हूँ, कंट्रोल जेड करते हुए वापस आ गया मैं। मुझे पहले वाले में शेडिंग अगर लगानी है तो मैं शेडिंग पे क्लिक करूँगा, जो भी कलर का शेडिंग मुझे चाहिए उस कलर की शेडिंग को मैं क्या कर दूंगा, लगा दूंगा। और दूसरा है यहाँ पर बॉर्डर्स, आप देखेंगे जैसे मुझे पहले वाले मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम तो रहे लेकिन ये मुझे दिखे ना, तो मैं यहाँ से मैंने क्या कर दिया, नो बॉर्डर्स कर दिया मैंने, क्या कर दिया। बॉर्डर्स का काम है कि बॉर्डर लगाना और बॉर्डर हटाना, बॉर्डर लगाना और बॉर्डर हटाना। अगर मुझे डॉट डॉट बॉर्डर्स चाहिए तो मैं यहाँ से सबसे पहले नो बॉर्डर करके और फिर उसके बाद मैं यहाँ से इसको जो बॉर्डर का स्टाइल है उस बॉर्डर के स्टाइल को ले लूँगा और यहाँ से फिर से मैं इसको ऑल बॉर्डर्स कर दूंगा। तो यहाँ पर ये बॉर्डर्स हमारे पास आ गया। दोबारा फिर से मैंने टेबल पे क्लिक किया, ड्रा टेबल, आप देखेंगे यहाँ पर ये तो मैंने टेबल इंसर्ट टेबल ले कर लिया था और आप देखेंगे टेबल में ही और ड्रा टेबल आप देखेंगे यहाँ से मैंने किया इंसर्ट किया, इंसर्ट में से ड्रा टेबल आप देखेंगे यहाँ पर लाइन बनते हुए चली जा रही है। जितनी भी टेबल मुझे चाहिए ये क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा यहाँ से। मैं माउस से के पॉइंटर को यूज़ कर रहा हूँ और अगर मुझे यहाँ से पार्टिकुलर को क्या करना है, हटाना है इधर से, तो मैं सिलेक्ट करके मैं जिसको भी चाहूँ उसको भी आगे पीछे कर सकता हूँ, या मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी दो सेक्शन को क्या करना है, हटाना है। आप देखेंगे ये दोनों इधर आ गया और अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये वाला सेक्शन इधर कर दूँ मैं, तो देखो एक कॉलम से पार्टिकुलर एक कॉलम क्या हो गया, ये इधर आ गया, ये ईंट की टाइप के आकार का बन रहा है जो, ठीक है ना। इरेज मीन्स मिटाना, मान लीजिए मुझे पूरी टेबल मिटानी है, पूरी टेबल क्या करनी है, मिटानी है, मैंने क्या किया सीधा ऐसे इरेजर उठाया और सीधा इसको उड़ा दिया। मैं चाहता हूँ कि बीच की लाइन को मैं हटा दूँ, इरेज मीन्स मिटाना, जैसे छोटे बच्चों का इरेजर होता है सेम वही चीज़ है ये इरेजर, जिन कॉलम या जिस रो की आवश्यकता नहीं है उसको मैं क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। और फिर उसके बाद आप लेआउट में चलेंगे, लेआउट में देखो व्यू ग्रिड लाइंस पहले से है, प्रॉपर्टीज यहाँ पर ये बता रहा है कि आपका रो और जो आपका कॉलम जो आपका सेल है वो कितने कितने का है, यहाँ पर ये आपको बता रहा है, ठीक है। उसके बाद डिलीट, तो आपको पता है डिलीट सेल्स, मुझे जैसे मान लीजिए इस सेल को डिलीट करना है तो मैंने गया डिलीट सेल्स, इसको बोला शिफ्ट सेल अप, ये पूरा बना हुआ है इसलिए यहाँ से डिलीट नहीं होगा। अगर मैं इसको ऐसे यहाँ से डिलीट करना चाहूँ तो मैं देखता हूँ डिलीट सेल शिफ्ट सेल अप अभी भी नहीं होगा क्योंकि ये डिलीट तो हो गया बट वो उधर चला गया। बट हम इसको अगर मैं पूरे रोज को डिलीट करना चाहूँ तो एक सेकंड में हो जाएगा क्योंकि वो जगह नहीं पूछेगा। इसको डिलीट करना चाहूँ तो ये हो जाएगा, अगर कॉलम को डिलीट करना चाहूँ इन दोनों कॉलम को तो डिलीट और डिलीट कॉलम्स कर दूंगा। अगर मुझे पूरी टेबल डिलीट करनी है तो मैं टेबल पे जाऊंगा और सीधा इसको टेबल डिलीट कर दिया। फिर से मैं एक इंसर्ट टेबल कर लेता हूँ, इंसर्ट टेबल आ गई है। आपने यहाँ पर शेडिंग सीखा, बॉर्डर सीखा, पेन कलर सीखा। अगर आपको जो आपका बॉर्डर है वो आपको कलरफुल चाहिए, आप यहाँ पर नो बॉर्डर कर देंगे और पेन का जो कलर है वो बदल लेंगे आप, और फिर उसके बाद इसको उठा करके ऑल बॉर्डर्स कर लेंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो जाए। यहाँ से पहले मैंने नो बॉर्डर कर दिया और फिर से मैं इसको कर देता हूँ ऑल बॉर्डर, तो
आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो गया, ब्लैक हो गया, लेकिन ब्लैक नहीं चाहिए मुझे, रेड चाहिए, मुझे जो चाहिए वो रेड चाहिए, फिर उसके बाद नो बॉर्डर, और फिर उसके बाद मैंने कर दिया इसको ऑल बॉर्डर। आप देखेंगे जो मेरा टेबल बना था वो किस रेड कलर का हो गया। फिर से टेबल टूल्स पे आएंगे, लेआउट्स पे आएंगे, देखो इंसर्ट अबव, इंसर्ट अबव, आप ध्यान से देखें इंसर्ट, मैंने दो निकाला था, दो रोज और आ गए, मैं चाहता हूँ कि दो कॉलम और आ जाएं, इंसर्ट इंसर्ट लेफ्ट, देखो कॉलम आ गया, इंसर्ट राइट, दो इधर आ गया ना, और इंसर्ट मैं यहाँ पर बीच में कर, मैं लास्ट में करता हूँ, और इंसर्ट बिलो, दो नीचे, इसके दो नीचे कॉलम और आ गया। मर्ज सेल्स, देखो मर्ज सेल्स, मर्ज सेल्स का मतलब हुआ मर्ज सेल्स पे मैंने क्लिक कर लिया तो वो क्या हो गया, सारा सेल एक प्रकार का हो गया, इसको बोलते हैं मर्ज सेल। और यहां पर देखिए स्प्लिट, यहां पर है स्प्लिट सेल्स, ये पूछ रहा है आपको कितना कॉलम और कितना रोज चाहिए, मैंने बोला कि जो कॉलम चाहिए मुझे तीन चाहिए, और रोज जो तीन रोज तीन कॉलम चाहिए। आप देखेंगे यहां पर जो मेरी कितनी भी टेबल बनी थी, लेकिन यहां पर क्या हो गया, तीन रोज और तीन कॉलम बन गया है, स्प्लिट टेबल। लास्ट इसमें नेक्स्ट है स्प्लिट टेबल, मैंने कहा भाई इतने से इस टेबल को अलग कर दीजिए, तो यहां पर स्प्लिट टेबल हो गई है। ऑटो फिट, इसको मैं कर बोलता हूं भाई ऑटो फिट हो जा तो, ठीक है ना, ऑटो फिट कंटेंट्स, देखो जहां पर जो भी था वो सारा ऑटो फिट हो गया, कंट्रोल जेड करके दोबारा उसी कंडीशन पे ले आऊंगा मैं इसको, और मैं अपने हिसाब से भी इसको कम ज्यादा कर सकता हूँ, मैं अपने हिसाब से भी इसको क्या कर सकता हूँ, कम ज्यादा कर सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट रोज डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, ठीक है ना। और अब मैं इसमें कुछ लिख के दिखाऊंगा, मैंने यहाँ पर लिखा जी डॉट एस सी ओ एम पी यू टी ई आर कंप्यूटर टी आर ए आई एन आई एन जी आई एन एस टी आई टी यू टी ई जी एस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिख दिया मैंने इसमें। और मैं सोचता हूँ कि ये क्या हो जाए, देखो सेंट्रलाइज लेफ्ट राइट, फिर उसके बाद सेंट्रलाइज लेफ्ट और राइट, मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ से इसको बड़ा कर लेता हूँ, तो जो मैं दोबारा डिज़ाइन में आता हूँ, डिज़ाइन से इरेजर उठाता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करके स्पेस बना दूँ तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। आप देखेंगे मैं इसको क्लिक किया, और उसके बाद तो आप देखेंगे लेआउट में, देखो मिडिल में, बॉटम में, टॉप में, लेफ्ट राइट, लेफ्ट मिडिल राइट मिडिल, टेक्स्ट डायरेक्शन, देखो टेक्स्ट डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए हमारी, ठीक है ना। सेल मार्जिन कितना है हमें बता रहा है कि आपका जो अभी करंट मार्जिन कितना है, सेल मार्जिन आप इसको अपने हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हैं, जो आपका सेल है ए टू जेड, ए टू जेड मैं टेबल और आगे इसके आगे बनाऊंगा तब वहाँ पर समझाऊंगा आपको कि ए टू जेड का मतलब, जैसे जो हमारी वर्ड की जो और पहली क्लास थी वहाँ पर मैंने ए टू जेड बताया था। ए टू जेड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सीक्वेंस में करना, लाइक ए बी सी डी या जेड टू ए या जेड टू एल, अल्फाबेटिक मोड जिसको हम बोलते हैं अल्फाबेटिक मोड, अल्फाबेटिक मोड को ही जो है क्या बोलते हैं ए टू जेड या टेक्स्ट और टेक्स्ट डायरेक्शन, आप समझ ही गए। रिपीट हेडर्स, रिपीट हेडर्स और कन्वर्ट टू टेक्स्ट, रिपीट हेडर्स मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, मैंने इसको बोला कि मर्ज सेल कर दिया, और रिपीट हेडर्स का मतलब है कि आपके पास मल्टीपल टेबल्स, मल्टीपल पेज में टेबल्स हैं और एक जो हेडर है उसको आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट सबसे पहले प्रिपेयर करना होगा। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, कन्वर्ट टू टेक्स्ट का मतलब ये हुआ कि आप इसमें कुछ भी लिख दें, मैं इसमें जल्दी से इसमें कुछ लिख देता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मैंने इस टेबल को कॉपी करके कंट्रोल सी कर लिया, और मैं यहाँ राइट क्लिक करके कंट्रोल वी कर दिया, और सेलेक्ट किया मैंने इसको, टेबल टूल्स में गए, लेआउट में गए, और यहाँ पर कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर दिया, पैराग्राफ मार्क्स वन कर दिया। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी टेक्स्ट था, यहाँ पर जो भी टेक्स्ट था टेबल, तो यहाँ पर जो है वो क्या बोलते हैं वो तो हट गया, वो टेबल ऊपर चला गया, बट लेकिन जो मैंने लिखा था वो लास्ट आप यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, क्योंकि इसने क्या किया, टेबल को कन्वर्ट उसमें
क्या बोलते हैं कन्वर्ट टेबल में, सॉरी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया इसने। फार्मूला है यहाँ पे, फार्मूला मैं आपको अगले उसमें बताऊंगा, फार्मूला में सारे फार्मूले आपको एक्सेल में और अच्छे से इत्मीनान से और प्रोजेक्ट के साथ जितना भी कार्य होगा अपना सारा प्रोजेक्ट के साथ होगा। तो दोस्तों आज हमने इसमें टेबल में बहुत सारी चीज़ें कवर की है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, हेडर्स एंड फुटर्स, टेक्स्ट, सिंबल्स। अगर आज आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ें और पढ़ाएं, जीवन में खुशियां फैलाएं। जय हिंद।